ये हैं आखिरी बार अस्पताल जाने से कुछ दिन पहले नौशाद साहब। दिलीप कुमार उनसे मिलने आए थे और नौशाद साहब के सबसे छोटे बेटे ने उनकी अंतिम मुलाकात को हैंडीकैप में कैद कर लिया। मैं कुछ दिनों बाद 29 अप्रैल इस फिल्म के सिलसिले में बंबई पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसी सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। 5 मई सन 2006 को नौशाद साहब का देहांत हो गया। नौशाद साहब चाहते थे कि मैं इस फिल्म की शुरुआत फिल्म मुगले आजम में बड़े गुलाम अली द्वारा गाए हुए इस गीत से करूं। मुंबई से कलकत्ता वापस लौटने के बाद मुझे ये लगा कि अब इस फिल्म को नहीं बनाया जा सकता है, पर बड़े गुलाम अली के स्वर और नौशाद साहब से टेलीफोन पर वो बातचीत मुझे याद आती रही और मुझे ये एहसास हुआ कि अब इस फिल्म को बनाना ही होगा, क्योंकि न तो नौशाद साहब कभी मर सकते हैं न तो ये सुर, उनके सुरों को हमेशा कायम रहना होगा। यह है लखनऊ, वो शहर जिससे नौशाद साहब का रिश्ता हमेशा बहुत पक्का था। यही वो शहर है जहां नौशाद साहब का लगाव संगीत की ओर बढ़ा, खास तौर से हिंदी फिल्म संगीत की ओर। उनका जन्म इसी शहर में 24 दिसंबर 1919 को पुराने ख्यालों वाले मुस्लिम परिवार में हुई। यही वो घर है जहां नौशाद साहब के पिता जनाब वाहिद अली अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, जो कि एक अदालत में मुंशी थे, और उन्होंने नौशाद साहब का संगीत के लिए जुनून का काफी विरोध किया। ये है नौशाद साहब की नानी, उनके बचपन का एकमात्र सहारा जब वे स्कूल से भागकर फिल्में देखा करते थे। नौशाद साहब ने अपना पूरा बचपन अपनी नानी के घर में बिताया। ये है उनकी नानी के घर के सामने वाली गली, वही गली जहां वे पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करते थे। इस घर में नौशाद साहब के मामा अल्लान साहब भी रहा करते थे। उनकी एक हारमोनियम की दुकान हुआ करती थी जो आज भी है। नौशाद साहब अपने बचपन से ही संगीत की ओर काफी आकर्षित थे। यहीं नजदीक में उन्हें संगीत वाद्य यंत्रों की दुकान में काम मिल गया। हम उस दुकान को तो नहीं ढूंढ पाए, पर यह है उनके मामा अल्लान साहब की दुकान, जो शायद संगीत के प्रति उनके लगाव की जड़ हो। बगल में एक सिनेमा घर रॉयल सिनेमा हुआ करता था, जो आज मेहरा टाकीस है। नौशाद साहब इसी दरगाह पर चढ़ाए गए सिक्के लेकर रॉयल सिनेमा में फिल्में देखा करते थे। स्कूल जाने के बदले वे रोजाना इस सिनेमा घर के दर्शक हो गए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 8 साल की रही होंगी और वहीं से शुरुआत हुई उनके मुंबई जाने और संगीतकार बनने के सपनों की। उस समय साइलेंट फिल्मों का दौर था और थिएटर मालिक अपना तैयार किया हुआ संगीत बजाने के लिए संगीतकारों का इस्तेमाल किया करते थे। जल्द ही नौशाद साहब ने साइलेंट फिल्मों के लिए उसी थिएटर में हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने हारमोनियम की बुनियादी शिक्षा उस्ताद बब्बन खान और सितार की तालीम उस्ताद यूसुफ अली से ली। नौशाद साहब के पिता ने उन्हें परिवार और संगीत, इन दोनों में से एक को चुनने को कहा। उनकी उम्र उस वक्त केवल 18 साल की थी। उन्होंने संगीत को चुना और मुंबई आ गए।
जहां ना तो उनके रहने की कोई जगह थी और ना कोई पहचान वाला। मुंबई में 1937 में आया। मेरे एक दोस्त थे आदिल साहब, उन्होंने किराए के पैसे दिए थे मुझे, चूंकि मैं घर छोड़ चुका था इसी बिना पर कि मैं संगीत नहीं छोड़ सकता हूँ, तो घर छोड़ दिया था। मुंबई जब मैं पहुंचा हूँ तो उस वक्त हालात ये थे कि न मैं किसी को जानता था, न कोई मुझे जानता था, और ये अपनी कैफियत थी कि मुँह एक एक कर तकता हूँ मैं बेकसी से, सहारा न टूटे किसी का किसी से, तो बेसहारा था मैं, हर एक का मुँह तकता था शायद ये मुझे कोई रास्ता बताए। सीढ़ियों के नीचे की ये जगह जहाँ आज ये दर्जी काम कर रहा है, कभी उनका रात गुजारने का ठिकाना हुआ करता था। मुझे यकीन है कि उन दिनों ये जगह ऐसी न रही होगी। नौशाद साहब के संघर्ष के बहुत से दिन यहीं गुजरे और उनकी कामयाबियों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। प्रकाश पिक्चर में हमको माला फिल्म दिलाई मधोक साहब ने, डीएन मधोक साहब जो मेरे फादर की तरह थे, उन्होंने वहाँ हमको एक फिल्म दिलाई माला, दूसरी दर्शन, तीसरी स्टेशन मास्टर। उससे पहले एक फिल्म उन्होंने दिलाई थी, पहली हमारी फिल्म थी, वो कहना भूल गया मैं, प्रेम नगर उसका नाम था। पूरी फिल्म के 300 रुपए हमको मिले थे। आजा आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। नौशाद साहब के साथ ये हैं शमशाद बेगम, जिन्होंने उनके शुरुआत के दिनों की बहुत सी लोकप्रिय धुनों को अपनी आवाज दी। ओ सोए हुए मन में, ओ सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। ओ दिल में क्यों हूँ टूटी हारी हरिओम। एक फिल्म प्रकाश पिक्चर ने शुरू की जिसका नाम बैजू बहरा था, तो मैंने खुदा का नाम लेके कोशिश की कि पब्लिक का मजाक बदला जा सकता है, पब्लिक की पसंद बनाई जाती है, आवाम की पसंद जाती कुछ नहीं होती, वो माँ के पेट से लेके नहीं आता है, पसंद बनाई जाती है। तो शंकर भाई कहने लगे, अरे नौशाद साहब लोगों का भेजा फट जाएगा, ये तान पलटे सुन के क्लासिकल के लोग बाहर भाग जाएंगे। हमने कहा आप इत्मीनान रखिए, ऐसा नहीं होगा शंकर भाई, सिचुएशन पकड़ती है लोगों को, तो हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे। तो हमने 6 महीने तक बीजू भाई के साथ बैठ के स्क्रीन प्ले पर काम किया और फिर साहब एक सिचुएशन उसकी गढ़ी और फिर जनाब ये गाने बनाए। मन तरपत हरिधर शन को आज। ये है आशियाना, अरब सागर के किनारे, मुंबई के कार्टर रोड बांद्रा पर। फारसी में आशियाना का मतलब है घोंसला। नौशाद साहब ने ये घर 1953 में बनवाया था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे और उनकी सारी नस्लें इस घोंसले से कभी दूर न जाए। आज उनके तीनों बेटे और उनका पूरा परिवार इसी आशियाने में बसता है।
ये है नौशाद साहब का कमरा। नौशाद साहब और उनकी बीबी आलिया खातून की यादों से भरा। आज उनमें से कोई हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी माँ ने कहा था, मैंने तुम्हारी ससुराल में कहा कि तुम दर्जी का काम करते हो, म्यूजिक का काम नहीं करते हो, म्यूजिक का नाम लोगे तो शादी नहीं होगी। तो मैं कहा भाई दूल्हा बन के मैं दर्जी बना बैठा हुआ था, और वहाँ बैंड बजाने वाले सब आ रहे थे, मेरे गाने बजा रहे थे, अच्छे में आते और माँ के चले भी जाना। ये फिल्म रतन का गीत है जो मेरे पैदा होने से पहले बनाया गया था, पर आज भी मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले के नौजवान और बुजुर्ग इसे सालों बाद भी गुनगुनाया करते थे। नौशाद साहब को प्रकृति से काफी लगाव था। पवई झील के पेड़, पक्षी, तितलियां और उनकी खूबसूरती से अक्सर उन्हें अपनी सबसे अच्छी गीतों और धुनों की प्रेरणा मिलती थी। नौशाद साहब मछलियां पकड़ने की कला में माहिर थे। अपने फुर्सत के लम्हों में वे अक्सर मछलियां पकड़ने पवई झील आया करते थे। मछलियां पकड़ने के लिए उनकी एक नाव और झील के बीच में फिशिंग हट हुआ करती थी। अपने अंतिम समय तक वे महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। 1962 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मछली 52 पाउंड की कटला को पकड़ा। इस बड़ी मछली को फंसाने में उन्हें 1 घंटे का समय लगा। हैरत की बात यह है कि एक कवि और गीतकार होने के बावजूद भी उन्हें खेलों में काफी दिलचस्पी थी। वे रोजाना कसरत भी किया करते थे। और उन्हें शिकार का भी शौक था। यह शेर उनके बहुत से शिकारों में से एक है। फोटोग्राफी उनका पास टाइम था। किसे मालूम, शायद इसी के चलते उन्होंने सनी आर्ट्स प्रोडक्शंस के बैनर में यह फिल्म उड़न खटोला प्रोड्यूस की। से 1952 तक नौशाद साहब करदर प्रोडक्शंस के स्थायी संगीतकार रहे। उनके संगीत की जादूगरी के चलते ही करदर प्रोडक्शंस की बहुत सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। ये फिल्म दिल्लगी का सदाबहार गीत है। नौशाद साहब पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने संगीत में वेस्टर्न नोटेशंस का इस्तेमाल किया। फिल्म आन के संगीत के नोटेशंस को एक किताब के रूप में
लंदन में प्रकाशित किया गया है। उनके धुनों की सबसे अनोखी बात उनकी वैरायटी थी, जिनमें रागों से लोक गीत और भजनों से क्वायर म्यूजिक सब शामिल हैं। महबूब प्रोडक्शंस की बहुत सी फिल्मों को उन्होंने अपने संगीत से नवाजा। फिल्म अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, आन अंदाज और मदर इंडिया के गीत अपने संगीत के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और मैंने आसिफ साहब से ये भी अर्ज किया कि मुगले आजम और अनारकली एक ही कहानी है, तो फिल्मिस्तान वाले बना रहे हैं और मेरे ख्याल है वो आपसे जल्दी बना लेंगे, तो सब्जेक्ट बदल दीजिए, वरना खाम खाई के लिए कंपटीशन होगा तो बोलेंगे भाई सब्जेक्ट तो यही बनाऊंगा मैं और आपको करना है। खैर हमने कहा चलिए करेंगे। इत्तेफाक यही हुआ कि हम लोग काम कर रहे थे, अनारकली पहले बन के रिलीज भी हो गई और उसमें वो गाना भी उसका बहुत मकबूल हुआ, जमाना ये समझा कि हम पी के आए, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए। तो मैंने कहा आजिफ साहब ये गाना आपकी सिचुएशन और उसकी एक ही है, तो ये या तो सिचुएशन बदलिए या गाने का आइडिया बदलिए। तो बोलेंगे भाई वही सिचुएशन रहेगी, आइडिया भी वही रहेगा, अकबर बैठा है और सलीम भी बैठा है, वही रक्कासा आएगी, अनारकली जिसका नाम है और उसके सामने यही आइटम होगा। इसमें इम्तिहान आपका है मेरा नहीं है। मैंने कहा क्यों आपका क्यों नहीं, कहते मैं तो निकल जाऊंगा, मैं सेट लगा रहा हूँ ऐसा कि लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा। तो शीश महल उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कंस्ट्रक्ट किया था, कारीगर बुलाए फिरोजाबाद से कहाँ कहाँ से, शीश महल बनाया उन्होंने। सेट तो वाकई उन्होंने लाजवाब बना गया बना लिया, उससे वो तो बच गए, अब इम्तिहान मेरा था। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो। शकील साहब को लेकर बैठा कि साहब वो गाना करना है, तो हम लोग 6 बजे बैठे, शाम को कमरा बंद किया, लिखते रहे, न जाने कितने मुखड़े लिख डाले, कितने बनाए विवाद दिए, तो आखिरकार से वो गाना तैयार हुआ। तो हम लोग बाहर निकले ठंडी सांस लेके, तो सुबह के 6 बज रहे थे, सारी रात गुजर गई थी। तो मैंने कहा कि शायद उस वक्त के गानों में उनकी उम्रों में वो रात भी शामिल होती हो जो एक गाने के लिए शकील साहब ने हमने पूरी रात गुजार दी थी। एक क्लासिकल आइटम था तानसेन का, तो बोले भाई वो तानसेन के लिए किसकी आवाज लेंगे। मैंने कहा भाई इस वक्त का तानसेन तो गुलाम अली खान साहब है, तो चलिए उनसे बात कीजिए। मैंने कहा फिल्म में गाते नहीं, अरे आप चले गए मुझे ले चलिए। बहरहाल मैं गया, उनको लेकर गया, बड़े गुलाम अली खान साहब को बड़ी मुश्किल से राजी किया, और वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं कई दफे दोहरा चुका हूँ। तो बड़े गुलाम अली खान साहब को लाया मैं और उन्होंने बैठ के यहीं रिहर्सल की इसी गरीब खाने में, और जब रिकॉर्डिंग हुई तो उन्होंने कहा मुझे वो रील वो सीन बताओ, वो उसको देख के गाऊंगा मैं। तो साहब वो रील चलाई गई, उसको देख के वो गाना गाए हैं। तो जहाँ जहाँ अनारकली के उस सीन में सलीम मुंह पर उसके चेहरे पर फर फिराता है ये सब, तो वहाँ हल्की मुर्कियाँ वगैरह आप अभी गौर कीजिएगा, वो सब उसी हिसाब से किए हैं, वो पिक्चर को देख कर गाए हैं गाने, गाना और राग सोनी वो गाना था। या ना
sajan sajan numela. फिर रागेश्री राग में एक गाना जब सलीम आ रहा है वार से वापस महल में, वो रागेश्री में एक गाना गवाया, तो उस वक्त गुलाम अली खान साहब ने आसिफ साहब से कहा था कि 25,000 रुपया लूंगा एक गाने का, जबकि उस वक्त के बड़े से बड़े प्लेबैक सिंगर 500 रुपए और 400 रुपए में गाते थे। तो गुलाम अली खान साहब ने 25,000 मांगा, तो गुलाम अली खान साहब से आसिफ साहब ने कहा, बस खान साहब 25,000, अरे आप तो अनमोल है, ये लीजिए 10,000 एडवांस। तो गुलाम अली खान साहब ने कहा, भाई कदरदान आदमी है। तो गरज ये कि ऐसे लोग जो सही कलाकार को चुने और उनको उनके रुतबे के मुताबिक उनकी फीस भी दें, उनमें से आसिफ साहब थे। वो गाने जिनको आवाम ने पसंद फरमाया उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, कमाल उस संगीत का था जिसको आप हिंदुस्तान का संगीत कहते हैं। मैंने तो पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के आपके सामने पेश कर दिया था। का एक दूसरा पहलू होता है फिल्मों में जो गानों से ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से होता है अगर संजीदगी से किया जाए, और वो है पस मंजर मौसीकी, जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक कहते हैं। कि बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब यह कि जहां मकालमे खत्म हो जाते हैं, डायलॉग नहीं रहते, अल्फाज खत्म हो चुके हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जबान बन जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक उस माहौल को अपनी जबान से कहता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अहमियत रखता है फिल्मों में। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सी फिल्में ऐसी निकाल दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म फीकी आपको नजर आएगी। आप जो देख रहे हैं वो लंदन में फिल्म आन की रिलीज है। इस फिल्म की री रिकॉर्डिंग विदेशी टेक्नीशियंस द्वारा लंदन में ही की गई। वे पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने फिल्म आन में 100-piece ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। साउंड मिक्सिंग की टेक्निक को नौशाद साहब ने हिंदी फिल्मों में सबसे पहले अपनाया। सॉन्ग रिकॉर्डिंग में उन्होंने वॉइस और म्यूजिक ट्रैक्स को अलग अलग रिकॉर्ड किया। उन्होंने बांसुरी के साथ शहनाई, सितार के साथ मैंडोलिन का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने ढोलक, मटका, राता का इस्तेमाल भी शुरू किया। इन प्रयोगों से उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को नया जायका प्रदान किया। फिल्म उड़न खटोला में वे बिना किसी ऑर्केस्ट्रा के एक पूरा गीत रिकॉर्ड किया। नौशाद साहब का नाम उन चंद संगीतकारों में से एक है जिन्होंने फिल्म संगीत को एक नई गहराई, एक नया अर्थ दिया। साथ साथ उन्होंने फिल्म संगीत को अपनी एक अलग पहचान और सम्मान दिलाया।
नौशाद साहब ने सुरैया, उमा देवी, महेंद्र कपूर जैसे नए गायकों को पहली बार मौका दिया। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज को अपने सुरों से सजाकर उन्हें और सुरीला बनाने का श्रेय बहुत हद तक नौशाद साहब को ही है। पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डाल के नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन। मुझे ये लगता है कि जैसे कल की बात हो, वो हमारे पुराने साथी, वो हमारे डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो गुलूकार, वो सिंगर, क्या केएल साइकिल और क्या मोहम्मद रफ़ी, ये तमाम जिनका बदल आज तक नहीं आया, शायद आए भी नहीं, इन तमाम लोगों को ढूंढता फिरता हूँ और ऐसा लगता है कि आज फिर मैं चंबूर पैदल जाऊँ और वो नौकरी की तलाश और उन लोगों से मिलूं जो पिछले लोग थे, वो शायद कहीं रास्ते में मुझे मिल जाए। ईद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जीते क्या करेंगे, हम जीते। ये हैं सुरैया, ये हैं शकील बदायूनी और ये हैं मुकेश। नौशाद साहब के बहुत ही करीबी लोग, इनसे उनका रिश्ता केवल साथ काम करने का ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा और पक्का था। पर गम है मैं साजन, तू पर गम है। जाने माने फिल्मकार डेविड लीन महबूब खान के साथ कुछ फिल्में प्रोड्यूस करना चाहते थे जो कि कभी संभव नहीं हो सका। ये उनकी उस मुलाकात के समय की है जब 1961 में गंगा जमुना की रिकॉर्डिंग हो रही थी। नैन लड़ गए हैं, नैन लड़ गए हैं तो मनवा मां कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटा। इस फिल्म की गोल्डन जुबली हुई, नौशाद साहब की सबसे हिट फिल्मों में से एक। और अब एक मौका ऐसा आया कि जब थोड़ी संगीत की शक्ल बिगड़ने लगी, कुछ वेस्टर्नाइज किस्म का रंबा संबा और चाचा चा ट्विस्ट की झलक थोड़ी आने लगी, दिल तू गाए जा भूपी, जादू जगाए जा भूपी, खुशियां मनाए जा तरम पम पम, अखियां मिलाए जा, दिल में समाए जा, अपना बनाए जा भूपी। उनकी 65 फिल्मों में 9 गोल्डन जुबली, 3 डायमंड जुबली और 26 सिल्वर जुबली रही। इसमें कोई हैरत नहीं कि सारी दुनिया इस महान संगीतकार को जानती है और उनके श्रोता, उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद रखेंगे। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। जब मैं शूटिंग के लिए लखनऊ गया तो मुझे नौशाद साहब का उनके नानी को लिखी एक खत मिली। मैंने उसे पढ़ा और मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी कामयाबियों के बावजूद उनमें एक छोटा सा बच्चा छुपा था जो हमेशा उस शहर को लौट जाना चाहता था जिसे उसने कभी छोड़ दिया था।
आपका खत प्यार से भरा मिला, पढ़कर बहुत ही सबकी याद आई। फिर एक बार बचपन आंखों के सामने घूम गया। खुदा आप सबको सलामत रखे, हमारी नानी का घर सलामत रहे। कई बार ऐसा ख्याल आता है कि एक बार सब बच्चों को लाऊं और आपके यहां ही ठहरूं और मस्जिद की छत पर से फिर कनकिया यानी पतंग उड़ाऊं और नानी की आवाज सुनूं के अरे कमबख्तों मस्जिद की छत से उतरो, गुनाह पड़ेगा। फिर वो तकिए वाले पीर साहब के मजार पर जाऊं और वो हमारा बुजुर्ग इमली का पेड़ उससे लिपट कर खूब जी भर कर रो लूं। मुझे बड़ी यादें सताती हैं। ये सदियों पुरानी मस्जिद नौशाद साहब की नानी के घर की दीवार से लगी हुई है। उसकी अभी अभी मरम्मत की गई है। सालों पहले इसी की छत से वे पतंग उड़ाया करते थे। अब रहा यह कि इस दौर में मैंने बहुत कम फिल्में की, चूंकि फिल्मों का जो टाइप, जो फिल्मों की किस्में आई हैं, हर फिल्म में लड़ाई झगड़ा, हर कैरेक्टर के हाथ में बंदूक और पिस्तौल और खंजर, तो साहब वो ये इस शोर गुल में सितार की तरवें कौन सुनेगा, इस बंदूक और तोपों की आवाज़ में वो शहनाई की आवाज़ कौन सुनेगा, गुम हो जाएगी उसमें, तो इसलिए मैंने ऐसी फिल्में करना मुनासिब नहीं समझा। नौशाद साहब को बहुत से पुरस्कार मिले, उनमें से कुछ काफी प्रतिष्ठित हैं, जैसे पद्म भूषण और दादा साहब फालके अवार्ड। दोनों ही उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए, पर यह तो उनके संगीत के सफर में प्राप्त कई पुरस्कारों में से केवल दो नाम हैं। मैं काम जो करता था और करता हूं आज भी, तो इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सा पैसा मिल जाए, एक लगन रहती है कि लगन से करूं कि अच्छा हो जाए, इससे भी अच्छा हो जाए, इससे भी अच्छा हो जाए, मगर नहीं हो सका अच्छा। अभी तक तृष्णगी है कि प्यास मेरी जो बुझ गई होती, जिंदगी फिर न जिंदगी होती। यार पता नहीं क्यों एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये यादें वो गुज़िश्ता ज़माने को साथ लेकर आती हैं, उस वक्त के साथ ही सब बिछड़ गए, आज कोई नहीं रहा। तो उन सब की यादें वाबस्ता हैं इन ट्यून से, इन धुनों से, इन शायरी से और उन तस्वीरों से। मैं बहुत आभारी हूं उनके मित्रों और परिवार द्वारा लिए गए वीडियो क्लिप्स का और प्रोफेशनल्स द्वारा लिए गए इंटरव्यूज का। मैंने इस सर से बहुत सी धूप, बहुत सी गर्मी, बरसातें, जाड़े मेरे सर से गुजरे हैं और अब तक मैं ये समंदर किनारे खड़ा होकर कहता रहता हूँ, सूरज उफक में डूब गया, धूप एक सर से तेरे और ढली, एक दिन उलझनों का और गया, एक कड़ी जिंदगी की और कटी। तो मैं ये सोचा करता हूँ क्या ये वही सागर है, ये वही समुंदर है जिसके किनारे आकर हम बैठे थे और हमने ये कहा था कि बरस गई राम बदरिया तारी, बुझी न प्यास हमारी। लोग कहते हैं कि आपके गानों में से कौन से ऐसे तीन गाने या कौन से ऐसे चार गाने हैं जिनको आप ये कहें कि ये हमारे बेहतरीन गीत या बेहतरीन मौसीकी के हिस्से हैं। तो मैंने हमेशा यही जवाब दिया है और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि वो अच्छा गाना जिसको मैं कहूँ ये गाना मेरा दिल पसंद है, वो अभी बाकी है, वो अभी नहीं आया है। और आप सब हजरात की, संगीत प्रेमियों की दुआएं शामिल हाल रहीं और
खुदा ने उम्र दराज की, तो वो गीत की तलाश अभी तक जारी है, वो गीत अभी तक आया नहीं, वो आएगा। उनकी आवाज इस फिल्म के लिए जरूरी थी। कभी उनकी आवाज में जुनून था, कभी अकेलापन, कभी दर्द, तो कभी दार्शनिकता। कभी उनकी आवाज में प्रतिध्वनि है एक ऐसे इंसान की जो अपने बीते समय के गौरव में डूब गए हो, और कभी ऐसे सपने देखने वाले की जिसने अपना सफर शुरू ही न किया हो और खोज में हो किसी दिव्य ईश्वरीय संगीत के। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए,